हाय फ्रेंड्स, मैं पीयूष रॉक्स आप लोगों का होस्ट, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष राज। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो हम दोस्त ऐसे बस घूमने के लिए निकले थे, तो सोचा चलो आए इधर तो जनकपुर रेलवे का वीडियो बनाते हुए चले, और कुछ व्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ रेलवे स्टेशन का, जो अभी हाल ही में बना है नेपाल के जनकपुर। तो माना जाता है कि राज्य जनकपुर राजधानी है, और वहाँ पर जनकपुर रेलवे स्टेशन नैरो गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन किया गया है, और ये नेपाल भारत सहयोग से IRCON कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और जो देख रहे हैं आप, ये अभी जनकपुर रेलवे स्टेशन का बाहर का सीन है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे सड़क वड़क से बन गया, और अभी हम जनकपुर रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। और अंदर का व्यू आप जो देख रहे हैं, काफ़ी एक बात मैं बता देता हूँ, काफ़ी यहाँ पे साउंड है, क्योंकि कुछ बाढ़ आने के कारण सब लोग यहीं पर अभी है, और आप भीड़ देख सकते हैं, और अभी स्टेशन चालू नहीं है, और तो मेरा आवाज़ कुछ कट कट के आ रहा होगा, बट जो मैं बोल रहा हूँ क्लियरली आप तक आ सकते हैं। और आप ही जब देख रहे हैं, ये व्यू पूरे रेलवे स्टेशन का एक राजमहल की तरफ बनाया हुआ है, यहाँ पे हर चीज़ का फैसिलिटी दिया हुआ है, वेटिंग रूम, प्लेटफॉर्म, और ये जो आप देख रहे हैं अभी ये लाइट यहाँ पे पूरे स्टेशन को रोशन करने वाली 3-4 लाइट यहाँ पे लगी है। और ये स्टेशन अभी काफ़ी नया बना हुआ है, कुछ महीनों पहले बना हुआ, बट अब यहाँ पे ट्रेन चल नहीं रही है, और हमें ये भी पता चला है कि ट्रेन आने वाले सितंबर या अक्टूबर में ट्रेन चालू होगी। नेपाली डेट BS में बोले तो असोज तक आने का, अभी फिलहाल तो कितना प्लान कैंसिल हो गया। अब आप जो देख रहे हैं, ये दिख रहा है कुछ बारिश के कारण यहाँ पे कुछ दरारें आ गई हैं, तो मेरे ख्याल से जल्द से जल्द रेलवे को यहाँ ट्रेन चालू करना चाहिए, जिससे कुछ पैसा मिले, और मुनाफे में जब ट्रेन चले तो ये मरम्मत हो जाए। यहाँ पे भी काफ़ी आप साउंड देख रहे हैं, अभी कोई भी बोला ना जा रहा है, पाँच किलोमीटर आगे स्टेशन है, वहाँ पे इसको मेन स्टेशन किया गया, और ये बस एक फ्रंट की तरह बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर कुछ इतने प्लेटफॉर्म भी पूरा बन के रेडी है। यहाँ पे कुछ आदमी बैठे हुए हैं बारिश के कारण, और अभी भी बारिश नहीं थी। अभी जो आप देख रहे हैं टिकट काउंटर, टिकट काउंटर के अंदर में मिथिला पेंटिंग बोल सकते हैं, इसको डेकोरेट किया गया, और ये रहा हमारा टिकट काउंटर। इसे इलेक्ट्रीफाई भी किया जाएगा, और इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद शायद यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चल सकती है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे डेमू ट्रेन चलेगी, जो डीजल पे सिर्फ चलती है, डीजल मल्टीपल यूनिट ट्रेन। और अभी हम इतना ही बताते हुए, और अभी हम जा रहे हैं घर की ओर, और आप प्लीज़ हमारे चैनल और ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलेंगे। और अभी ये वीडियो को आप ज़्यादा लाइक करते हैं, तो हम आगे कुर्था स्टेशन भी जाएंगे। थैंक यू।